हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माइनिंग मीर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन दिस वीडियो वे अर कोस अबाउट द कन्वर बेल्ट एंड इट्स सेफ्टी फीचर्स दिस विल बी द पार्ट वन क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में इतना सारा चीज़ है खास करके उसका मैनुफैक्चरिंग उसका आइडलर्स उसका पुलिस उसका सिलेक्शन uh, उसका डिजाइन उसका सेफ्टी फीचर्स उसका तो इतना सारा चीज़ है उसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसको देखने में मज़ा नहीं आएगा इसीलिए उसको मैं Uh, दो तीन पार्ट में कर दे रहा हूं तो ये पार्ट वन है तो सिंपल है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज लाइक और शेयर करिए अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है प्लीज व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर आई विल डेफिनेट रिप्लाई यू सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट देख लेते हैं कि ये जो तीन पार्ट है ये तीन पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेकेंड सेफ्टी डिवाइसेस जो हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे ये दोनों ठीक है उसके बाद क्या क्या रहेगा बेल्ट आइडलट्स पुलिस स्ट्रक्चर बेल्ट ज्वाइंटिंग बेल्ट क्लिनिंग डिवाइसेज एंड टिका मारेजमेंट सो चलिए अभी चलते हैं इंट्रोडक्शन और सेफ्टी डिवाइसेस को देख लेते हैं इंट्रोडक्शन व्हाट इज इट ये जो कन्वेयर सिस्टम है या जो कन्वेयर बेल्ट है ये क्या है ये सिंपल एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है तो हम लोग माइनिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो हम लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम लोग माइंस का जो फेस है फेस से लेके क्रसर के पास पहुंचाना क्रसर से लेके स्टॉक पाइल के पास पहुँचाना स्टॉक पाइल से लेके स्टील प्लांट या जो स्मेल्टर के पास पहुँचाना यहाँ पर हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि हम लोग माइंस में जो फेस से लेके कर क्रसर के पास पहुँचाते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम क्या होता है डम्पर या टीपर्स उसके बाद जो स्टॉक पाइल हम लोग का रहता है या माइंस से हम लोग स्टील प्लांट पहुंचाते हैं या स्मेल्टर पहुंचाते हैं वहां पे हम लोग अगर दूर में है खास करके तो हम लोग कौन से मीडियम यूज़ करते हैं वो होता है रेलवे वागन जो हम लोग के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक होता है और इजी भी होता है उसके बाद और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक हो गया पाइप के द्वारा प्रेशराइज पंपिंग के द्वारा आप पाइप के द्वारा बहुत दूर दूर तक भी ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है ठीक है और क्या हो सकता है हॉलेज रोप के द्वारा भी हो सकता है और और क्या है एक है कन्वेयर बेल्ट जो सबसे इकोनॉमिक है और हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है तो कन्वेयर बेल्ट ये एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है ये दोनों माइन्स के लिए यूज हो सकता है अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो तो ये दो तरह का होता है एक होता है स्टेशनरी फॉर्म में आता है एक है मोबाइल फॉर्म में आता है ये जो पहला पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेल्ट तो चल रहा है आइडलर्स तो है इसके ऊपर तो बेल्ट चलेगा ही ओके लेकिन ये जिसके ऊपर खड़ा है ये हो गया स्ट्रक्चर ये यहाँ पे फिक्स है ठीक है ये कहना एक ही जगह पे हम लोग उसको इंस्टॉल कर देते हैं एक बार में तो वो पूरा का पूरा जितना दिन वो माइस चलेगा उतना दिन ये वहाँ पे चलता रहेगा तो वो हो गया स्टेशनरी फॉर्म मोबाइल फॉर्म किसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट एक जगह से दूसरी जगह पे लिया जा सकता है उसको बोलते हैं मोबाइल फॉर्म तो यहाँ पे देखिए जो बकेट हुए एस्कैटर्स से उसमें भी हम लोग कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं तो बकेट उल एक्स्केवेटर हम लोग कहीं से भी एक जगह से दूसरे जगह पर यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर इसको हम मोबाइल फॉर्म भी बोल सकते हैं और एक है जो हम लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे उसको उसको बोलते हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन ये जो स्क्रीन है ये हम लोग माइंस का कोई भी एरिया में लेके लगा सकते हैं जो उसमें जो बेल्टस है वो भी हम लोग छोटा भी बड़ा भी कर सकते हैं जहाँ पे छोटा जगह पे है तो उसको कम करके भी चला सकते हैं अगर ज़्यादा एरिया बड़ा है तो उसको और थोड़ा सा इनलार्ज करके भी यूज़ कर सकते हैं तो ये जो हम लोग यूज़ करते हैं कन्वेयर बेल्ट को इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फॉर्म या कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करके भी उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है और कुछ फोटोज़ यहाँ पे जो अंडरग्राउंड माइंस का है यहाँ पे जो बेल्ट्स है और ये वाला जो ऊपर वाला जो सेकंड वाला जो फोटो है ये देखिएगा ये एक अपहिल कन्वेयर बेल्ट का कन्वेइंग सिस्टम है ये जो दोनों दिया है ये होता है सूट और यहाँ से मेटल इसके ऊपर गिरता है और यहाँ से अपहिल हिल के ऊपर तरफ वो हो, ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है ठीक है और ये थर्ड वाला क्या है ये हम लोग देखे होंगे एयरपोर्ट में देखे होंगे जो बैगेज हम लोग का आता है तो इसी तरह से वो आता है तो इसको ये भी एक कन्वेयर बेल्ट ही है बस डिफरेंस कहाँ पे आता है कि उसको हम लोग कौन सी जगह पर यूज़ कर रहे हैं अगर एयरपोर्ट में यूज़ करें तो उसका डिज़ाइन और उसका पैरामीटर्स अलग होगा अगर हम लोग माइंस में यूज़ कर रहे हैं खास करके चला बल्की मेटरल जो आयरन हो गया बक्सड हो गया कोल हो गया लाइमस्टोन जो भी है उसमें अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाई कैपेसिटी के लिए तो उसका डिज़ाइन और उसका पैरामीटर्स उसका जो सिलेक्शन उसका जो मोटर का जो वाटेज इस सारा चीज़ का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है तो डिफरेंस बस यहीं पर आएगा तो कौन सा एरिया में या कौन सा फील्ड में आप कन्वेयर को यूज़ कर रहे हैं ओके तो ये वाइडली हम लोग यूज़ करते हैं खास करके आयरनोर का हो गया कोल लिग्नाइट बॉक्साइड एंड अदर मिनरल्स में जो जहाँ पे हम लोग का कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए उसमें हम लोग इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स होता है ये सबसे हाइस्ट होता है क्योंकि एक बार इंस्टॉल कर दीजिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पहली बार जाएगा लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो सबसे फ़ायदेमंद होता है इन कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम तो अब चलते हैं इसमें सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या रहता है खास करके उसको देख लेते हैं यहाँ पे मेनली चार सेफ्टी डिवाइसेस रहता है एक हो गया पुलकर स्विच एक हो गया बेल्ट स्वे स्विच एक हो गया जीरो स्पीड स्विच और एक हो गया होल्ड बैग जीरो स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं जेड एस एस करके बेल्ट से स्विच हो गया बी एस 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 करके पुल कर्ड हो गया पी सी एस करके और ये हो गया होल्ड बैग एस बी ओके अब एक एक -कर करके देख लेते हैं फर्स्ट हो गया पुल कर्ड स्विच पुल कर्ड स्विच इसका नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है पुल कर्ड एक कॉड रहेगा उसको आपको पुल करना है ठीक है देखिए तीन फिगर है एक वन इसको बोलते हैं टू और ये हो गया थ्री ये जो तीन नंबर वाला पिक्चर है ये हो गया पुल कर्ड स्विच ठीक है जो फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर है उसमें दिया गया है यहाँ के पर्सन यहाँ पे खड़ा है और वो कॉर्ड को खींच रहा है वो जो कॉर्ड जिसके साथ कनेक्टेड है वो हो गया हम लोग का मेन स्विच ठीक है तो ये पूरा डिवाइस यहाँ पे इंस्टॉल होता है ये अलग द कन्वेयर में ही रहता है कन्वेयर का जो स्ट्रक्चर सचा है उसी में ही इंस्टॉल होकर रहता है और उसका जो स्विच है जैसे थर्ड वाला पिक्चर में देखिए ये जो स्विच है यहाँ पे दो रिंग है एक ऊपर एक नीचे है तो ऊपर से कनेक्शन होकर लेफ्ट साइड में जाता है और नीचे का कनेक्शन होकर राइट साइड में जाता है तो कितना डिस्टेंस जाना है तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर क्योंकि आपका बेल्ट अगर बहुत लंबा है तो आपको बीच बीच में पुल पुलकड़ आपको स्विच बीच बीच में ही देना पड़ेगा ठीक है और ये कब काम आता है ये सेफ्टी डिवाइस काम आता है कि कभी भी कोई भी पर्सन अगर ये कॉर्ड को खींच ले कहीं से भी तो यहाँ पे ये बेल्ट जो चल रहा है उसको ट्रिप करा देगा तो बेल्ट वहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा बहुत सारा काम रहता है जैसे कि इमरजेंसी कुछ हो गया कुछ वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो आपको इमीडिएट उसको खींच के बंद कर सकते हैं कुछ एक्सीडेंट होने वाला है जो आप देख रहे हैं लेकिन आप बोलने से वो आदमी रुकने वाला है नहीं तो आप दूर से कोई देख रहे हैं कुछ तो उसका सेफ़्टी के लिए आप इसको खींच के बंद कर सकते हैं वहाँ पे कुछ आइडलर चेंज करना है आपको लगा कि आइडलर ख़राब हो गया अभी उसको चेंज करना ही पड़ेगा तो आपको कंट्रोल रूम को तो बोलना ही है लेकिन उससे पहले आपको इसको पुल कट कर, कर दीजिए ताकि अपना जो सेफ़्टी है वो आपके हाथ में रहेगा और कुछ मेटेरियल वहाँ पर है नीचे जो क्लीनिंग करना है उसको भी कर कर सकते हैं कि आपको लगा कि नहीं यहाँ पे क्लीनिंग नहीं करेंगे तो ये बेल्ट घिस रहा है पूरा का पूरा खराब हो सकता है तो आप उसमें इमिडिएट पुलकट करिए तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हल्ट हो जाएगा कंट्रोल रूम को पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर पुलकट हुआ है और जब तक आप इसको रिलीज नहीं करिएगा तब तक आपका बेल्ट चालू नहीं होगा तो ये उसका सेफ्टी फीचर है बहुत अच्छा है अब चलते हैं सेकेंड सेफ्टी डिवाइस क्या है बेल्ट स्वय स्विच तो इसका नाम से हम लोग क्या पता चल रहा है कि बेल्ट स्वय स्विच मतलब बेल्ट जो है आपका सोए हो रहा है मतलब उसका जो नॉर्मल जगह जहाँ पे वो चलना चाहिए वहाँ से वो फिसल के कहीं और जा रहा है वो स्वय हो रहा है थोड़ा सा साइड होके जा रहा है चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो तो वो क्या होता है देखिए ये जो डिवाइस है ऊपर वाला जो फिगर है ये इसको वन बोलते हैं इसको टू और इसको थ्री बोलते हैं तो वन जो फिगर है ये जो उसका डिवाइस है ये बोलते हैं उसका बेल्ट स्वय स्विच देखिए ये बेल्ट के साइड में ही रहता है जैसे ये वाला पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जो सेकंड वाला पिक्चर है ये जो येल्लो वाला है येल्लो का ऊपर में एक ऐसे करके ऊपर में ब्लैक कलर का है तो वो बेल्ट स्वेसू जाए मतलब ये जो बेल्ट में जो मेटल यहाँ पे जाता है लोड होके वो ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है अगर बाई चांस कुछ भी कारण के वजह से वो बेल्ट की हुआ धीरे धीरे राइट साइड आने लगा ठीक है तो ये क्या ना आइडलर के ऊपर चढ़ते हुए इस तरफ आ जाएगा तो इसमें क्या होगा कि लेफ़्ट साइड वाला जो बेल्ट है वो नीचे आ जाएगा तो वहाँ से मेटल्स पिलेज होकर वहाँ पर डैमेज कर सकता है बेल्ट टूट भी सकता है तो कुछ भी हो सकता है तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक स्विच जो स्विच देते हैं देखो ये एक राइट साइड में है एक यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है उसका सर यहाँ पे है ठीक है दोनों तरफ में रहता है तो जैसे ही ये बेल्ट राइट साइड तरफ स्वे हुआ या लेफ्ट साइड तरफ सुए हुआ तो ये जो स्विच है जैसे ही इसको टच होकर इसको पुश करेगा तो इसको पता लग जाएगा कि ये अभी स्वये हो रहा है इमीडिएट वो पूरा का पूरा सिस्टम को बंद कर देगा ठीक है ऑटोमेटिकली तो आपका बेल्ट जो है स्नैप होने से ही बच जाएगा मेटल्स पिलेज होने से भी बच जाएगा तो ये हो गया उसका सेफ्टी डिवाइस ठीक है बेल्ट स्वे स्विच अब चलते हैं थर्ड में जिसको बोलते हैं जीरो स्पीड स्विच जेड एस एस। तो देख लेते हैं ये खास करके रहता है जो हम लोग का टेल एंड ड्रम रहता है दो दो ड्रम रहता है जैसे कि ये कन्वर बेल्ट है यहाँ पे दो ड्रम है एक है ड्राइव एंड जो हेड जिसको बोलते हैं और एक हो गया जो टेल एंड मतलब जो ड्रिविन हो गया यहाँ से हम लोग गियर जो मोटर के साथ गियर कनेक्शन करके इसको हम लोग रोटेशन देंगे और ये वाला नॉर्मल ऐसे डम है मतलब खाली इसको सपोर्ट देगा बेल्ट को घूमने के लिए ठीक है तो ये जो जीरो स्पीड स्विच है ये रहेगा टेल एंड तरफ में ये सिंपल एक सेंसर टाइप का है मतलब सोचिए कि बाई चांस आपका ये जो बेल्ट टूट गया ठीक है तो बेल्ट अगर टूट गया यहाँ से तो बेल्ट यहाँ से निकल जाएगा तो ये जो ड्राइव एंड है वो तो घूमता रहेगा ठीक है उसको इतना पता नहीं चलेगा कि ये टूटा कि नहीं टूटा ठीक है वहाँ पे जो पुल कर स्विच है उसको भी पता नहीं चलेगा जो आपका बेल्ट स्वय स्विच है उसको भी पता नहीं चलेगा लेकिन ये जो ज़ीरो स्पीड स्विच यहीं पर रहता है यहाँ पर एक सेंसर काम करता है कि ये जो ड्राइव एंड है ये तो घूमता रहेगा लेकिन जो टेल एंड है उसके में तो कोई पावर नहीं है इसीलिए अगर बेल्ट यहाँ पे टूट गया उसी के टेंशन से ही ये घूमता था तो अगर टेंशन ही नहीं रहा तो ये घूमना बंद हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये सेंस कर लेगा कि ये अभी स्पीड इसका ज़ीरो हो गया तो वो क्या करेगा इमिडियटली ये सिस्टम को बंद कर देगा जो ड्राइव एंड है इसको वो बंद कर देगा ठीक है तो यहाँ पे मोटर घूमना बंद हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम हो सकता था कि ज्यादा से ज्यादा कोई डैमेज हो सकता था उसको ये इमिडिएटली बचा लेगा ठीक है तो ये टेलेंट में रहता है तो यहाँ पे जेड बहुत अच्छा काम करता है तो ये हो गया उसका डिवाइस जो यहाँ पर लगा हुआ है और ये उसका कंट्रोल पैनल ठीक है अब चलते हैं फोर्थ जो है होल्ड बैक्स इसको तो नाम से ही पता लग रहा है कि होल्ड बैक या बैक आने से रोकेगा तो देख लेते हैं इसका वर्किंग ये जो होल्ड बैक है वो कैसे काम करता है तो होल्ड बैक खास करके कनेक्टेड रहता है ड्राइव शाफ्ट में मतलब जो हम लोग का सोचिए कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक ये हो गया ड्राइव एंड और ये हो गया टेल एंड इसका पहले बार हम देखे थे कि जेडे से जो जीरो स्पीड स्विच होता है वो आता है टेल एंड में कनेक्टेड होकर ठीक है लेकिन जो होल्ड बैक है वो कनेक्शन रहता है ड्राइव एंड में ठीक है तो यहाँ पे दिया है कि अगर हम लोग का कोई भी कन्वेयर बेल्ट थोड़ा सा अपील में जा रहा है मतलब थोड़ा सा इंक्लिनेशन में चल रहा है मतलब नीचे से हम लोग यहाँ पे लोड कर रहे हैं मटेरियल को और वो ऊपर तरफ वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है तो वहाँ पे चांसेस क्या होता है कि बाई चांस अगर पावर फिलर हो गया तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का या मूविंग सिस्टम का एक प्रॉपर्टी रहता है कि जैसे ही अगर बाई चांस पावर फिलर हुआ वो थोड़ा सा बैक करके आने में चांसेस रहता है क्योंकि इसमें मेटेरियल लोडेड भी है और वो इनकनेसन भी है तो वो पीछे आने का चांसेस भी रहता है वो जो पीछे आने का चांस है उसको जीरो करने के लिए पीछे वो ना आए उस जगह पे ये होल्ड बैक को लगाया गया है ठीक है ताकि ये क्या करेगा यहाँ पे जो साफ्ट है उसको वो लॉक कर देगा वो पीछे वो बेल्ट आएगा ही नहीं तो आपका जो मेन पर्पज़ था वो सॉल्व हो गया ठीक है तो उसका मेन क्या रहता है कि ये आ... इट अलाउज फ्री रोटेशन ऑफ़ द ड्राइव पुली साफ्ट इन टू द फॉरवर्ड डिरेक्शन बट ऑटोमेटिकली प्रिश रोटेशन इन अपोजिट डिरेक्शन मतलब अगर यहाँ पे डिवाइस लगा है तो वो फॉरवर्ड डिरेक्शन के लिए जिस डिरेक्शन में चलता है सोचिए क्लॉक डिरेक्शन में वो चल रहा है तो वहाँ पे वो मूवमेंट के लिए दिक्कत नहीं होगा लेकिन जैसे ही वो बैकवर्ड में आता आने का कोशिश करता है मतलब वो अगर एंटी क्लॉक घूमने का कोशिश हुआ वो साफ्ट को वो लॉक कर देगा ठीक है ताकि वो पीछे नहीं भागेगा तो ये हो गया होल्ड बैग का जो सेफ्टी डिवाइस है ये उसका फोटो है ये रहता है यहीं पे, ठीक है ड्राइव एंड का ही उसका सॉफ्ट के साथ ये कनेक्टेड रहता है ये जो ब्लू वाला है और ये उसका और एक पार्ट है ओके okay? तो हम लोग कवर किए चार जो सेफ्टी डिवाइसेस है एक हो गया पुल कर्ड सेकेंड हो गया बेल्ट स्वे स्विच थर्ड हो गया जीरो स्पीड स्विच फोर्थ हो गया होल्ड बैग ठीक है तो फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब सी ना यू अनदर वीडियो थैंक यू